हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और भी आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आज एक इंडक्शन चूल्हा आया हुआ है जिसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मॉडल नंबर है देखिए दोस्तों, इसका इंडक्शन कुकर GL 3089 और इसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही है। ये 2000 वाट का है। चलिए दोस्तों, इसकी वायर लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे ये टच वाला है, इसका पैनल टच में है। ये पावर ऑन का बटन है और यहाँ इसकी डिस्प्ले आती है दोस्तों। इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई हरकत नहीं है। चलिए इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है। ये हमारी आ रही है मेन लीड, दोस्तों चलिए इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। पहले दोस्तों इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इसका फ्यूज जुड़ा हुआ है। मेन लाइट पर तो लाइट आ रही है मगर इसका फ्यूज जुड़ा हुआ है। चलिए इसका फ्यूज पहले देखिए। इसका मीटर में भी कंटिन्यूटी नहीं बोल रही है। देखिए, वैसे ब्रजर आ रहा है, फ्यूज का ब्रजर नहीं आ रहा है। चलिए फ्यूज, इसको पहले फ्यूज को ठीक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमको ये फ्यूज मिला नहीं है सेम टू सेम। तो इस पर क्या, हमने एक जंपर मार दिया है एक वायर का और फ्यूज को चालू कर दिया है। देखिए अब हमारा फ्यूज चालू हो गया है। चलिए इसके पावर सप्लाई लगा के देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इसमें फ्यूज लगाने के बावजूद भी सप्लाई नहीं आई है और इसका बार बार ये फ्यूज उड़ जा रहा है। इसका मतलब इसके आगे भी कोई ना कोई ख़राबी होगी। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी प्लेट को खोल लेते हैं। खोलने के बाद ही पता चलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ये पावर सप्लाई है और ये फ्यूज यहाँ से यहाँ जा रहा है। हमें इस ट्रांजिस्टर को चेक करना है। फिर ये इसमें एक ब्रिज लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने चेक किया, इसका एक मॉस्फेट लगा होता है इसमें।
उसका नंबर है H20R1203। ये मॉस्फेट शॉर्ट बता रहा है दोस्तों, इस मॉस्फेट को बदल के देखना पड़ेगा। अब बदल के देख लेते हैं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, हमने इसमें इसकी जगह अपना दूसरा मॉस्फेट लगा दिया है और सेम नंबर का ही लगाना है जिस नंबर का ये है। H20R1203 यही लगाना भी है, इसकी जगह दूसरा नहीं लगाना दोस्तों। चलिए इसे चालू करके देख लेते हैं। मॉस्फेट लगा के और इसमें हीटसिंग होती है ये, इसको ज़रूर कस के चेक करना है। बिना ऐसे कैसे चेक मत करना दोस्तों, इसे ज़रूर लगा देना हीटसिंग को। चलिए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसके सारे जैक लगा दिए हैं और इसके पेच भी कस लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हमने बंद कर दिया है, अब इसे चालू करके देख लेते हैं। इसकी बीप आ चुकी है और देखिए इसमें दोस्तों, आपको अगर दिख रहा हो तो देखिए, अब इसको देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।